आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, कह सकता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। आपको मैं बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और इसके रूल और इसके कह सकते हैं ट्रांसलेशन कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट मतलब होता है हमारा वर्तमान, कंटिन्यूअस मतलब होता है कोई कार्य जारी है। जैसे आपको, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा कार्य क्या है, कंटिन्यू है पढ़ाने का, ना मतलब क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। और टेंस मतलब क्या होता है, कार, तो आप जानते ही हो इसको कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कह सकते हैं हिंदी क्या होगी, तो अपूर्ण काल होगी, अपूर्ण काल। लेकिन प्रेजेंट भी है तो कह सकते हैं वर्तमान अपूर्ण काल हो जाएगा। इतना क्लियर, प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या होती है, वर्तमान, मतलब प्रेजेंट में आपको पढ़ा रहा हूँ तो वर्तमान हो गया। कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, अपूर्ण, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आखिरी में कह सकते हैं रहा आ रहा है, मेरा कार्य जारी है, इन कार्य समाप्त नहीं हुआ है, तो कह सकता हूँ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और टेंस का क्या होता है, काल होता है। इतना क्लियर, तो इसके बारे में सीखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है अगर किसी वाक्य के अंत में, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, अगर किसी भी वाक्य के अंत में क्या आ रहे हैं हमारे, रहा है, रही है या रहे हैं या रहा हूं आप, अगर ये सब अगर किसी भी वाक्य के अंत में आपको लिखे हुए नजर आएंगे तो आप जान जाओगे ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रहा से क्या पता लग रहा है कि हमारा कार्य जारी है, और है से पता लग रहा है कि प्रेजेंट टेंस का, तो कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी क्या हुई, वर्तमान अपूर्ण काल। हमने सिर्फ अपूर्ण काल लिखा है, प्रेजेंट टेंस का नहीं लिखा है, प्रेजेंट टेंस का पहले से ही जानते हो क्या होता है, वर्तमान होता है। पहचान में क्या लिखा हुआ है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आज, मतलब ऐसी क्रियाएं आ सकती है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आखिरी में आ रही नहीं आ रही। सबसे पहले इसको हम कह सकते हैं अनुवाद करने के लिए, सबसे पहले मैं अफर्मेटिव का सीखूंगे, कह सकते हैं अफर्मेटिव का, कह सकते हैं ट्रांसलेशन कैसे होता है, कह सकते हैं देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको हमने अगली वीडियो में बता चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है। लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि अफर्मेटिव की हिंदी कह सकते हैं साधारण वाक्य होता है। क्या होता है, साधारण वाक्य। इतना क्लियर, अफर्मेटिव की हिंदी होती है साधारण वाक्य। इसमें आपके बहुत साधारण से वाक्य पूछे जाएंगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वह खाना बना रही है, वह नाच रही है, वह एक अच्छी लड़की लग रही है, तो कह सकते हैं साधारण वाक्य आ रहे हैं ना, तो कह सकते हैं इसके क्या होंगे, वाक्य कैसे बनाए जाएंगे, इसके रूल क्या होते हैं, तो इन सब चीजों को हम जानेंगे। सबसे पहले इसमें सहायक क्रिया आपकी क्या लगती है, तो सहायक क्रिया आप इतना क्लियर कर लीजिए कि आपको यूज क्या करना है, यूज फॉर्म में आप क्या लिखोगे, तो आपका यूज फॉर्म क्या होगा, इज, एम, आर, इतना क्लियर होना चाहिए। आपको हमने अपने ही वीडियो में बताया था, इसमें बता देते हैं कि आपको आई के साथ एम का प्रयोग करना है, यू, वी, दे, यू वी दे, या ऐसे एक से अधिक क्रिया आ रही है तो उसके साथ आप आर लगाओगे, या वर्ब आ रहा है तो आप लगाओगे, कह सकते हैं ही, सी, ईट, नेम, दिस, ये सब अगर आ रहा है सब्जेक्ट में तो आप क्या लगा दोगे, ई लगा दोगे। ना क्लियर, आई के साथ एन का प्रयोग करना है, यू वी दे के साथ आर का प्रयोग करना है, ही सी ईट नेम दिस के साथ इस का प्रयोग करना। अब रूल देखिए क्या होता है इसका, रूल देखोगे सबसे पहले क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस ईच, एम, आर। अब इसके बाद क्या आएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमारा क्या लग जाएगा, आई एन जी लग जाएगी, इन क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा हमारा आदर वर्ड। क्लियर, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आया है, सहायक क्रिया ही है जमार, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब कोई वाक्य लेते हैं, इसको बना के देखते हैं कैसे बनता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं,
आपको नजर आ रहा होगा, रहा हूँ, इससे क्या क्लियर हुआ कि हमारे पाचन कंटिन्यूअस टेंस है और इसके बनाए भी गए। सबसे पहले आप देखोगे हमारे रूल में सब्जेक्ट आ रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे मेरे बारे में कहा जा रहा है, मैं पढ़ा सकते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लियर, तो कह सकते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई हो जाती है। अब क्या आ रहा है इसे बाहर, हमने आपको बताया है आई के साथ क्या लगाते हैं सहायक क्रिया एम लगाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। फिर देखिए क्या आ रहा है वर्ब का पार्ट फॉर्म, पढ़ाना, पढ़ाने का क्या होता है टीच होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको दिख रहा होगा कि आईएनजी जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ टीचिंग, इतना क्लियर। अब दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे दूसरा वाक्य हमारा हो वा खाना पका रही है, कह सकते हैं वह खाना पका रही है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए वह खाना पका रही है, अगर वह आ रहा है और अगर पुरुष लिंग है फीमेल है तो आप उसके लिए वह की जगह पे ही लगाओगे, और कह सकते हैं अगर स्त्री लिंग है कि वही लड़की है तो कह सकते हैं सी लगाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेल है तो मेल के लिए आप क्या लगाओगे वह की जगह पे ही लगाओगे, अगर लेकिन अगर फीमेल है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे सी लगा दोगे, इतने क्लियर। तो आप देखोगे वह खाना पका रही है, पका नहीं रहा है, पका रही है, स्त्री लिंग है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे सी लिखेंगे। अब सी के साथ देखो ध्यान से नीचे बाहर इसी नेम जिसके साथ आपको साइड क्या क्या लगानी है इज लगानी है, इतना क्लियर। इज हो गया, फिर क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे देखोगे पकाना, पकाने का क्या होता है कुक होता है, तो यहाँ कुक हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है आईएनजी, तो यहाँ क्या हो जाएगा कुकिंग, क्या पका रही है खाना पका रही है, तो कह सकते हैं द खाने का क्या हो जाएगा फूड हो जाएगा, तो हमारा क्या हो गया सी इज कुकिंग द फूड। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है वह इज एम आर, सी के साथ हमेशा लगाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक, आईएनजी छोड़ दिए, ऑब्जेक्ट क्या है खाना द फूड, कह सकते हैं सी इज कुकिंग द फूड, तो क्लियर आशा होगा आप कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। अब इसके बाद हम कह सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझाएंगे, तो इसको आपको नोट करना हो तो अच्छे से नोट कर लीजिए। आप देख सकते हो हमने नेगेटिव सेंटेंस को लिख के रखा है, अब नेगेटिव सेंटेंस की एंट्री क्या होती है नकारात्मकों को आती होती है, तो एंट्री कर सकते हैं उसकी नकारात्मकों को आपको होती है, इसमें हमेशा आपके नेगेटिव की चीजें आएंगी, जैसे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बीच में नहीं आया कि नहीं आया, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ नहीं आएगा, कह सकते हैं अगर किसी भी वाक्य में नहीं या कभी नहीं आएंगे तो आप जान जाओगे नेगेटिव सेंटेंस, तो इसको कर सकते बना के कैसे, सबसे पहले देखिए इसका रूल क्या होता है, रूल कर सकते हैं आपके एकदम अफर्मेटिव जैसे होता है, बस क्या जाता है इसमें हमारे नॉट आ जाते हैं सब्जेक्ट, फिर क्या होता है इज एम आर, फिर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ नॉट लग जाता है और कुछ अधिक नहीं होता, नॉट प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म, वर्क के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा दोगे, फिर क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की बात क्या होगा हमारा आदर वर्ड आ जाएगा, क्लियर आदर वर्ड। अब देखिए हमको ये वाक लेंगे इसको बनाना सीखेंगे, जैसे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं नहीं पढ़ा, नेगेटिव चीज, तो आप इसको बनाओगे कैसे ध्यान से देखें, सबसे पहले क्या आया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं, क्लियर, मैं की इंग्लिश क्या होती है आई, हमने आपको बताया कि आई के साथ क्या लगाते हैं एम लगाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा एम, फिर क्या आ रहा है हमारे रूल में नॉट आ रहा है, तो हमें क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या पढ़ाना, पढ़ाने का क्या होता है टीच होता है, और आई एन जी जोड़ दोगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में तो हमारा क्या हो जाएगा टीचिंग हो जाएगा, कर सकते हैं आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा, इतना क्लियर। दूसरा वाक्य देखिए तुम नहीं खेल रहे हो, तुम नहीं खेल रहे हो, ध्यान से देखिए तुम की इंग्लिश क्या होगी यू होती है, तो यहां क्या लिखोगे यू, यू के साथ क्या सहायक क्रिया लगाते हैं यू वी डी के साथ सहायक क्रिया हम आर लगाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा, अब सहायक क्रिया के बाद क्या लग रहा है नॉट, तो यहाँ क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है खेलना, खेलने का क्या होता है प्ले होता है, प्ले के साथ कह सकते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको दिख रहा होगा क्या जोड़ना है आई एन जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लेइंग हो जाएगा, इतना क्लियर। आशा ये भी कह सकते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा, रूल क्या सब्जेक्ट इज एम आर,
नॉट वर्क ऑफ आर्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग, तुम नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग, इतना क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की होती हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक। अब प्रश्नवाचक वाक में आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन दो प्रकार के पूछे जाएंगे इसमें आपके, एक कह सकते हैं सिंगल होता है इंट्रोगेटिव, एक क्या होता है डबल। इंट्रोगेटिव सिंगल में आपको कह सकते हैं हमेशा क्या आंसर क्वेश्चन किए जाएंगे, तो सिंगल और डबल साथ में सीखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाते हैं। आप ध्यान से देख सकते हो हमने इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस को लिख के रखा हुआ है। इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस किसे कहते हैं या क्या होता है, तो इसके बारे में ध्यान से देखेंगे आप सब। कह सकते हैं प्रश्नवाचक एक घेरावाक। इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक एक घेरावाक। आपसे हमेशा क्वेश्चन जब किए जाएंगे तो कह सकते हैं क्या से क्वेश्चन किए जाएंगे, क्या तुम पढ़ा रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम गाना गा रहे हो, आपसे हमेशा क्वेश्चन किए जाएंगे क्या से, तो उस क्या का अनुवाद आप और से न करके आप इन सहायक क्रिया से करोगे जो ई एम आर हमारे। तो कह सकते हैं इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले आप देखिए रूल में आपका ईच एम और हमारा आर, ये सबसे पहले आ जाएगा। अगर क्या से क्वेश्चन कर रहे हैं तो अनुवाद हम ई एम आर से करेंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा आई एन जी, फिर क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। एक चीज ना भूलना, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं मेन में, ये आपके इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस को दर्शाता है कि ये प्रश्नवाचक की क्रिया है। अगला देखिए सहायक क्रिया इज हमारे सबसे पहले आई है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, क्या क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा, क्वेश्चन मार्क लगा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप कहोगे देखो सबसे पहले मैं, यहाँ क्या है मैं, तो आपको पता होना चाहिए मैं की इंग्लिश क्या होती है आई, आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हैं हम एम, तो यहाँ सबसे पहले क्या लगा देंगे एम, फिर क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं की इंग्लिश क्या होती है आई। अब यहाँ से देखोगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है पढ़ाना, पढ़ाने का क्या होता है टीच होता है, कह सकते हैं टीच और आई एन जी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा टीचिंग, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं होगा, इतना क्लियर। अब दूसरा वाक्य लेते हैं इसको मिटा के, नोट करना नोट कर लीजिए एक बार मिटा दीजिए, ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए वाह, कह सकते हैं क्या वाह लड़की अच्छी चाय पका रही है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या वह लड़की अच्छी चाय पका रही है, तो सबसे पहले आप देखोगे वह लड़की है ना, तो कह सकते हैं हम लड़की के लिए बताए थे वह क्या क्या लगाते हैं सी लगाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी गर्ल हो जाएगी, सबसे पहले सी गर्ल के साथ हम क्या लगाते हैं ही सी, के साथ क्या लगाते हैं इज, तो आपकी सहायक क्रिया क्या आ जाएगी इज। अब सी कह सकते हैं वह लड़की है, तो यहाँ क्या हुआ लड़की का सब्जेक्ट हम क्या लिख देंगे सी गर्ल, इतना क्लियर। अब सी गर्ल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म क्या पकाना, पकाने का क्या होता है कुक, अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है आई एन जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा कुकिंग हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है अच्छी चाय, तो कह सकते हैं गुड टी, क्वेश्चन मार्क बन गया ही इज सी गर्ल कुकिंग गुड टी, कह सकते हैं क्या वह लड़की अच्छी चाय बना रही है, इंट्रोगेटिव सिंगल भी हमारा होता है कंप्लीट। अब इसको हम कह सकते हैं मिटा के, आपको क्या बताएंगे इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, इसमें हमको ज्यादा मिटाना नहीं है, थोड़ा सा मिटा के आपको चेंज कर देंगे। आप देख सकते हो इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस को हमने लिख के रखा है। अब इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस हमारे होते क्या है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या कब कैसे, ये बीच में आता है, क्या तुम पढ़ा रहे हो ये सर ही होगा, तुम क्यों पढ़ा रहे हो, तुम कहाँ पढ़ा रहे हो, तुम कैसे पढ़ा रहे हो, ठीक है, वह कहाँ खाना पका रहा होगा, वह कहाँ नाच रही होगी, वह क्यों स्कूल जा रही होगी, ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा आपका, तो कह सकते हैं इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस हो जाएगा।
रूल में आपके इंटरमीडिएट सिंगल के ही जैसा है, बस इसमें कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड और हमारा आगे आ जाए, जैसे तुम क्यों पढ़ा रहे हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम क्यों पढ़ा रहे हो, तो क्यों की इंग्लिश होती है हमारी वाई, तो हमें क्या लगाएंगे सबसे पहले वाई लगाए क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड में है, क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, तो वाई हो गया। अभी जे मार तुम की इंग्लिश क्या होती है यू, यू के साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, ध्यान से देखिए तुम के साथ यू के साथ सहायक क्रिया हम आर लगाते हैं, तो भाई क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। इनके अलावा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम की इंग्लिश क्या होती है यू, और फिर ध्यान से देखिए पढ़ाने का क्या होता है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म पढ़ाने का टीच होता है, यानी जोड़ोगे यहां क्या हो जाएगा टीचिंग हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं होगा, इतना क्लियर। एक बार और लिखते हैं, जैसे हुआ कहां जा रही है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह कहां जा रही है, मतलब कोई स्त्री है या फीमेल फीमेल है कि वह कहां जा रही है, तो आती है अगर आप स्त्री आ गई तो क्या लगाओगे सी लगाते हैं, ठीक। अब सबसे पहले सी हम नहीं लगाएंगे, ध्यान से देखिए हमारा कहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तुमको रूल के हिसाब से चलना है, तो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड क्या है कहां, कहां की इंग्लिश क्या होती है वेयर होती है। अब वेयर के साथ इज आ रहा है, वह के सी के साथ हम क्या लगाते हैं इज लगाते हैं, वह की इंग्लिश हमारी क्या हो जाएगी सी हो जाएगी। और देखो कि ध्यान से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है जाना, जाना क्या होता है गो होता है, आई एन जी जोड़ दोगे गोइंग हो जाएगा, कहां जा रही है, इतना क्लियर। तो नोट कर लीजिए हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आज इसी पे समाप्त होता है, अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए।